ये 27 से लेकर 29 अप्रैल तक आपको ये मिल रहा है मतलब अगर आप यहाँ पर कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे कौन सा सिंपल सा कूपन कोड है पी ए सी पी ए एस एस पी ए सी आपने यहाँ आप पर लिखा और पी ए एस एस जैसे लगाओगे आपको ये कितने का तीन सौ मिल जाएगा अगर इस दौरान आपका आप टेक्स बुक पास खत्म होता है जरूर इस्तेमाल करिए रिन्यू कर लीजिए तो पी इस्तेमाल करिए और रिन्यू करिए मॉक टेस्ट को जारी रखिए से अपनी कमजोरियों को पता करिए और उसके ऊपर काम करिए चलिए शुरू करते हैं हमारे जो टेस्ट हमारा जो एक साल का करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए एक हजार क्वेश्चन का जो सीरीज है वो चल रहा है लगभग हम लोग पांच सौ से ज्यादा प्रश्नों को अभी तक बना चुके हैं और आज बारी है हमारे यहां पर यह हमारा जो चौथा सेशन है यहाँ पर तो 500 से ज्यादा क्वेश्चन बना चुके हैं आज हम लोग सौ प्रश्नों को और यहाँ पर धराशाही करने वाले हैं तो कितने लोग यहाँ पर हमारे साथ टिक करके बैटिंग करने वाले हैं जरा जय हिंद में बताएंगे क्योंकि आपको मेरी ऑडियो वीडियो भी तो अच्छे से आ रही है ये भी पता चल जाएगा तो हमारे साथ जो है सिद्धि शंभु सानिया एंड मतलब एस नाम के बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं अंजलि पुनीत सब लोग जुड़ गए पुनीत बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है सब कुछ बढ़िया है ना भाई पुनीत तो सभी लोगों को हमारी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं और जो लोग सुबह छह बजे जुड़ते हैं वो लोग तो हमारे साथ सुबह की शुरुआत कर ही रहे हैं तो चलिए शुरू करते आज के हमारे टॉप जो करंट अफेयर्स है एक साल में जो हुए हैं वो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं और आपको यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल बातें भी बताऊंगा जो बहुत ध्यान से सुनिएगा तो चलिए तैयार है सभी लोग यहाँ पर चलिए तो शुरू करते हैं सब कुछ बहुत बढ़िया से क्लियर सबको आ रहा है यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से आप किनका नाम

फीमेल कैटेगरी में और इनको ये अवार्ड दिया गया अगला क्वेश्चन आपको बताना है नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना कौन से राज्य से शुरू की है ध्यान से सुनेंगे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कौन से हमारे स्टेट से शुरू की गई है गुजरात तमिलनाडु उत्तर प्रदेश या हमारा मध्य प्रदेश है बहुत बढ़िया सभी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो लोग लेट हो रहे हैं खुशबू लेट नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सही उत्तर होना चाहिए कई लोग मध्य प्रदेश बोल रहे हैं कई लोग गुजरात बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर सही उत्तर है उत्तर प्रदेश चुनाव आने नजदीक थे कई सारी योजनाओं की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश से की हुई है तो यूपी इज राइट आंसर जितने यूपी बोल रहे जवाब उनका एब्सोल्यूटली करेक्ट है यहां पे आपको बताना था ग्लोबल ट्रेड आउटबॉक्स रिपोर्ट जो है ये कौन सा हमारा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है आउटलुक रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेड की जो आउटलुक रिपोर्ट है ये कौन निकालता है चौथा क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चे लेट आ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ लेट मत आइए प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा बहुत बढ़िया जनता पर पर जवाब दे रही है सही सही उत्तर होना सही उत्तर होना होना चाहिए चाहिए जितने लोग बोल रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन जो है यहाँ पर सही जवाब है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन बिल्कुल सही है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एम एफ का हेडक्वार्टर जो है ये आपको कहां पर देखने मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा आपको याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कोलंगनी जो कि जिनेवा के पास में कोलंगनी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा चलिए आगे तब चलते अगला क्वेश्चन है आपको बताना है इनमें से हमारे सर्बेस्टियन फिल्म समारोह में हु बिकम द लाइफ टाइम अचीवर टॉम है रॉबर्ट जॉनी जौ, रॉबर्ट डॉनी जॉनियर है टॉम क्रूज है या जॉनी डेप है क्या होना चाहिए सही उत्तर दोस्तों अभी मैं एक टाइम्स की खबर पढ़ रहा था वहां पे बोला जा रहा था कि पायरेट्स कैरेबियन का जो छठवां पार्ट है उसमें जॉनी डेब मतलब आपके कप्तान जैक स्पैरो काम नहीं करने वाले हैं क्योंकि तो उनका थोड़ा खटपट हो गया है डिज्नी के साथ तीन मिलियन जो है वो डॉलर उनको ऑफर करे लेकिन फिर भी जोनी ने काम करने से मना कर दिया है और यही थे हमारे विनर इन आप लोग इनको बोलते हैं नाम सुना है कि नहीं यार तुम लोगों ने चलिए बहुत बढ़िया आगे चलते अगला क्वेश्चन बनाते पांच नए मेडिकल कॉलेज खोलने की जो शुरुआत है ये आदिवासी क्षेत्रों में कौन सा राज्य करने वाला है गुजरात है मध्य प्रदेश है राजस्थान है या महाराष्ट्र है क्या होना चाहिए दोस्तों सर ने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर पांच नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे वो कौन सी ऐसी जगह है तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए वेरी गुड मॉर्निंग बिहान लेट हो रहे हो बच्चे यहाँ पर बहुत लेट दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए उस राज्य का नाम है हमारा गुजरात गुजरात से वापस से इसकी शुरुआत हो रही है गुजरात हमारे नीति आयोग के कई सारे रिपोर्ट में नंबर एक पर आता हुआ दिख रहा है चाहे वो एक्सपोर्ट की हमारी रिपोर्ट हो चाहे एनर्जी की रिपोर्ट हो नीति आयोग की रिपोर्ट में गुजरात नंबर एक पर दिखाई दे रहा है याद रखिएगा ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आयुष का इन्वेस्टमेंट जो सबमिट है वो भी हमारे गुजरात में हुई है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है तो गुजरात का नाम आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है सऊदी अरब ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हमारी किस कंपनी ने टाई अप किया है एल है रिलायंस है टाटा है या हमारा ONGC है जल्दी जवाब देना है सऊदी अरब ऑयल कंपनी के साथ किसने टाई ऑयलता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए हमारे देश में कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट को उनके आयाम तक अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस कंपनी का नाम जाना जाता है हमारे देश की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में है नाम शायद आप लोग जानते ही होंगे क्या होना चाहिए तो यहाँ पर जनता बोली है सर आपने ये जो हिंट दिया है मेट्रो वाला इसके जहां पे आप एल के ऊपर जा सकते हैं एल एन टी इज राइट आंसर बहुत सारे राज्यों में इसने अपने प्रोजेक्ट को अंजाम पे पहुंचाया मेट्रो के यहाँ पे एल एन टी राइट आंसर टोक्यो के पैरा ओलंपिक में पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जिसमें एक बार में उन्नीस पदक लेकर के आए हैं हिंदुस्तान एक बार में ही उन्नीस पदक आपको बताना है कि डिस्कस थ्रो एफ स्पर्धा में किसने कहा से पदक जीता है मयप्पन है विनोद कुमार है देवेंद्र झाझरिया है या वरुण कुमार भाटी है क्या होना चाहिए जनता उन्नीसों के नाम वो किस खेल से संबंधित है याद करने पड़ेंगे बार बार मैं बोल रहा हूं याद करने पड़ेंगे बहुत बढ़िया सभी बच्चे यहां पर जवाब देते हुए पाए जा रहे हैं सभी बच्चे यहां पर जवाब दे रहे हैं सही उत्तर होना चाहिए क्या जनता बोले ऐसा सही जवाब होना चाहिए जितने लोग बोल रहे हैं सही जवाब होना चाहिए विनोद कुमार तो विनोद कुमार यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है पैरा ओलंपिक में एफ जो स्पर्धा है इसमें इन्होंने क्या किया था बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं इन्होंने डिस्कस थ्रो में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था तो उन्नीस मेडल हमने यहां पर जीते हैं और जितने लोग बोल रहे हैं यहाँ पर हमारा डिस्कस थ्रो जो है बहुत बढ़िया चलिए तो देवेन झजरिया ये हमारे क्या है ये जेवलिन थ्रोअर है ये जेवलिन मतलब भाला फेंके थे और मेडल जीते थे तो जेवलिन थ्रोअर है झजरिया अगला क्वेश्चन आपको बताना है गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त विद्युत हमारा रेगुलेटरी बॉडी बनाई जा रही है उसके हमारे कमिश्नर के तौर पर किसको अपॉइंटमेंट किया गया है ज्योति प्रसाद को गोवा और केंद्र शासित राज्यों के संयुक्त विद्युत नियम के रूप में किसने शपथ दिलाई है क्वेश्चन ये है तो ज्योति प्रसाद जो कि हमारे क्या है ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी कमिश्नर है गोवा और यूनियन टेरिटरी के इनको शपथ किसने दिलाई है मनसुख मडावी है हरदीप सिंह पुरी है

उसको लेकर के एक डेटा बेस बनाया गया एक पोर्टल बनाया गया है उसका नाम क्या है समाधान है श्रम सुविधा है प्रवासी कल्याण पोर्टल है या ई श्रम पोर्टल है 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 जहां पर पर जो जो हमारे रेडी लगाने वाले हैं जिनका डेटा कहीं पर नहीं होता है, उन सभी का डेटा यहाँ पर संगठित किया जाएगा तो उस पोर्टल का नाम क्या है बहुत बढ़िया सभी बच्चे यहां पर जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे यहां पर जवाब दे रहे हैं जितने बच्चे हैं लेकिन थोड़ा सा लेट जो बच्चे हो रहे हैं थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करिएगा चलिए तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए हमारे भूपेंद्र सिंह यादव ने इसकी शुरुआत की थी जो हमारे यहाँ के लेबर मिनिस्टर है और इसका नाम है ई श्रम पोर्टल शायद सभी ने देखा होगा और ये मिनिस्टर कौन है लेबर मिनिस्टर तो आपको ये भी याद रखना है नाम क्या है मैंने बताया वीरेंद्र भूपेंद्र यादव भूपेंद्र यादव जो है वो हमारे लेबर मिनिस्टर है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है जब नवंबर हजार में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अंतरिम सीईओ के रूप में किसको चुना गया था जो अंतरिम सी बने थे आईसीसी के वो कौन है <coughs> बार्कले है डेविड रिचर्डसन है शशांक मनोहर है या जॉफ है जॉफ हमारे हैलिस है एलर्ड्रिस है तो जनता यहाँ पर जवाब दे रही है कि सर हमारे अंतरिम चेयरमैन आईसीसी के बने हेडक्वार्टर दुबई में है ये हमारे पूरे क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है और इसके जो अंतरिम सी बने हैं उनका नाम है जॉफ एरिस यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है जॉफ ये सी की हम लोग बात करें अंतरिम ठीक है ना और जो चेयरमैन बने थे वो ग्रेक बार्कले बने थे तो चेयरमैन ग्रेक बार्कले यहाँ पर आप टिक करके आएंगे नवंबर दो में नेस्कॉम ने किस शहर में इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा केंद्र स्थापित किया हुआ है तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेस्कॉम के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया है कोची में है चेन्नई में है, है, हैदराबाद में विशाखापट्टनम में जल्दी से बताना है क्या होना चाहिए नेस्कॉम ने कहा पर अपना एक्सीलेंस सेंटर को स्थापित किया है बहुत बढ़िया जनता यहाँ पर जवाब दे रही है सर सही उत्तर होना चाहिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज इस कंपनी का क्या नाम है तो यह हमारे सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज के लिए आ, काम करती है और इसको 1988 में बनाया गया था ये हमारे विशाखापट्टनम इसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है सीओ की स्थापना की है ग्रीन मैन के नाम से फेमस विरल देसाई ये बेटा सूरत के रहने वाले हैं विरल देसाई है ना इनको कहाँ पर एक समारोह में सम्मानित किया गया है और वो हमारा जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है ग्लोबल इनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन के लिए इनको दिया गया है मुंबई में दुबई में धाबी में या हांगकांग में विरल देसाई सूरत के एनवायरमेंट मैन के नाम से फेमस हैं इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारे काम करते हैं इनको अवार्ड कहाँ पर दिया गया है बहुत बढ़िया बच्चों सभी के सभी बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं और जनता बोले सर इसका सही जवाब होना चाहिए हमारे धाबी नहीं दुबई में मतलब यूएई में इनको सम्मानित किया गया है ग्रीन मैन के नाम से फेमस सूरत के वीरल, आचा, वीरल जो हमारे हैं देसाई ये दुबई में सम्मानित किए गए किस बैंक को 9.9 तक आरबीआई ने यहां पर स्टेक देने के लिए बोला है LIC का नाइनटी नाइन नाइन पॉइंट नाइन परसेंट किस बैंक को दिए जा रहे हैं पी एन बी है कोटेक महिंद्रा है कैनरा बैंक है या बैंक ऑफ इंडिया है क्या होना चाहिए दोस्तों किस बैंक को 9.9 परसेंट का स्टेक जो है वो आरबीआई ने दिया है एल तो हमारे देश की सबसे बड़ी बात है मुंबई नंबर दो जितने बच्चे बोल रहे हैं जवाब उनका सही है अगला क्वेश्चन है इनमें से न्यू पॉलिसी कमीशन फॉर द डिमांड एंड नीड्स ऑफ कॉर्प कॉर्प्स मतलब पुलिस की मांग और जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन से हमारे राज्य ने पुलिस हमारा कमीशन का स्थापना की है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है केरल है या मध्य प्रदेश है एक नया पुलिस आयोग बनाने की घोषणा की है तो यहाँ पर जनता बोली है सर वापस से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे साउथ का एक स्टेट है अब साउथ के दो तीन स्टेट हो जा रहे हैं जिसने यह पुलिस कमीशन बनाया जिससे उसकी डिमांड को फुलफिल कर सके उस उसका नाम है बहुत बढ़िया तरीके से जनता ने बोली है तमिलनाडु तमिलनाडु इज राइट आंसर कैपिटल चेन्नई अगला क्वेश्चन क्या है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्टार्ट द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना मंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करे गए बारह हजार चौबीस हजार छत्तीस हजार या अड़तालीस हजार महात्मा गांधी ने बोला था कि हिंदुस्तान एक गांव का देश है अगर गाँव का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा तो इसी के तर्ज पर हमारे यहाँ पर एक योजना चलाई गई जिसमें हमारे जो जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको एक गांव को आदर्श गांव बनाना है और ऐसे हमारे गांव को चिन्हित किया गया जिनको हम आदर्श बनाएंगे उनकी संख्या है छत्तीस हजार छत्तीस हजार गाँव को आदर्श बनाने की घोषणा की गई है अब ये पेपर पे बनते हैं या वाकई में बनते ये अपने आप में बहुत बड़ा ये चैलेंज है अब हम यहाँ पे बात करें हमारे ग्राम विकास मंत्री या पंचायती राज मंत्री का नाम जरा आप लोगों को बताना है ग्राम विकास मंत्री या पंचायत राज मंत्री कौन है जल्दी से देखें सबसे पहले जवाब कौन दे रहा है यहां पर जनता बोली है सर अगर यहाँ पे आप देखेंगे ग्राम पंचायत मंत्री या ग्राम विकास मंत्री जो है उनका नाम है बहुत बढ़िया तरीके से जनता ने जवाब दिया है गिरिराज सिंह यहां पर जनता बोली है गिरिराज सिंह यहां पर जितने जनता बोली है मैं एक बार बधाई देना चाहता हूं सभी का जवाब बिल्कुल सही है गिरिराज सिंह यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है जो कि हमारे गांव के विकास काम के लिए मंत्री बनाया गया द बीस्ट के लिए हमारे प्रोमियो प्लेंटा साहित्य पुरस्कार किसने जीता है द बीस्ट एक नोबेल का नाम है इसको प्रोमियो प्लेंटा लिटरेसी अवार्ड दिया गया ये किसने जीता है मेगे नोगोला है कैमरून मोला है बाबरा कॉटलैंड है या जेम्स पैटरसन है बहुत बढ़िया सभी बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि सर द बीस्ट एक बहुत फेमस नॉवेल थी पूरे साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली नॉवेल और इसके लिए इसके लिए इनको प्रोमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार दिया गया है नाम था उनका कैमरून मोला दिया है गोला अगला क्वेश्चन आपको बताना है 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 कि हमारा ग्रैंड जीत करके किस F1 रेसर ने इतिहास रचा है। है, मैक्स बिटर पेन है कार्लो सेंजो है या वोटारी वोल्टास है बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया खींचो बेटा दस बच्चे और खींचो सौ के ऊपर लेके चलते है ना सौ के ऊपर लेकर चलते हैं आज बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं यहां जनता बोले की सर ब्राजीलियन जो हमारे ग्रांड पिक्स है उसको जीतने का श्रेय जाता है हैमिल्टन को सबसे ज़्यादा जीतने वाले ग्रांड पिक्स का मतलब है रेस जीतने वाले माइकल सुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले लुविस हैमिल्टन है सबसे ज्यादा ग्रांड स्लैम जीतने वाले आज मैंने सुबह ही बताया था उनका नाम है राफेल नडाल जो टेनिस खेलते हैं सबसे ज्यादा ग्रांड ग्रांड, ग्रांड, ग्रांड स्लैम जीते हैं नडाल ने हैं और 370 से पिक्स जीती है, हमारे ने। याद हमारे ब्रिटेन के रहने वाले हैं है। ये सब इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन बन जाते बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे अगस्त दो में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यों में नए चार जिले और अट्ठारह नई तहसील बनाने की घोषणा की है चार नए जिले बनाए जाएंगे और 18 नई तहसील बनाई जाएगी पंजाब है गोवा है त्रिपुरा है या छत्तीसगढ़ है बहुत बढ़िया बेटा एक एक बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं अभी हमने थोड़े दिन थोड़े दिनों पहले देखा कि हमारे तेरह नए जिले बनाए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में बना दिए गए हैं है ना वाई एस आर जगनमोहन रेड्डी ने यह बता दिया कि तेरह नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं उसी तरीके से चार नए जिले बनाए गए थे हमारे कहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ जितने बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है रायपुर कैपिटल है अभी आपको बताना है कि 1971 की हमारी जीत में, दिसंबर में हमने उन्नीस सौ इकहत्तर में पाकिस्तान को क्या किया था हमने धूल चटाई थी किसने इस समारोह की शुरुआत की है स्वर्णिम विजय पर्व के नाम से इसको हम जानते हैं पचास साल हो गए भाई साहब पचास साल हो गए पाकिस्तान को हराए हुए फिर भी वो भूल जाता है कि पापा पापा होते हैं और बेटा 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 होता है

शुरुआत कर रहा है दुबई केयर्स एंड यूनिसेफ युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरुआत कर रहा है जहां पर वो डिजिटल अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है आई बी है इन्फोसिस विप्रो है, है या एसेंचर एंड एम है शायद इनकी याद सुन करके तुम्हें कॉलेज प्लेसमेंट वाली कंपनियों की याद आ रही होगी कॉलेज प्लेसमेंट में यही कंपनियां जाती हैं और बच्चों को हायर करती हैं जनता बोलेगी सर सही उत्तर होना चाहिए यहां पर हमारे जो यूनिसेफ ने और दुबई केयर्स ने हमारे हिंदुस्तान के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था वो एसेंचर और माइक्रोसॉफ्ट है घर बैठे बैठे मोबाइल से जो है पार्टिसिपेट किया था वेंकैया नायडू है नरेंद्र मोदी है राजनाथ सिंह है या एस जयशंकर प्रसाद है बहुत बढ़िया सभी बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि यहां पर सही जवाब होना चाहिए वर्चुअली मतलब आभासी तौर पर मोबाइल यहाँ पे ऑन कर लिए और बात कर रहे हैं समझ रहे हो कि नहीं तो यहाँ पे है, सर यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को कोई बात नहीं करिए जवाब जिनका जन्म आजादी के बाद मतलब उन्नीस के बाद हुआ था ये भी हमको याद रखना है क्योंकि हमारे एग्जाम में मोदी जी नहीं प्रधानमंत्री के फैक्ट बहुत पूछ रहे हैं आजकल ये प्रधानमंत्री के बारे में बताइए जो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं कौन सा प्रधानमंत्री जो है वो हमारा राज्यसभा का राज्य सभा तो ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको आने चाहिए प्रधानमंत्री के फैक्ट पढ़ करके जाइएगा नहीं तो भैया मत बोलिएगा समझ रहे हो कि नहीं अगला प्रश्न आपकी है आपको बताना है हाँ ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट मिस फर्स्ट मिस इंडिया दो का हमारा मिस इंडिया खिताब किसने जीता है मिस इंडिया खिताब किसने जीता है यार सीधे पूछो ना कंप्यूटर जी काय के लिए सब ये लिख रहे हैं ऑल इंडिया ब्यूटी स्यूटी पूछो मिस इंडिया कौन बनी है लेखा उठैया है श्रेया गुप्ता है रयाना सीकरी है या पर्ल अग्रवाल है बताइए भैया मिस इंडिया का नाम क्या होना चाहिए सिद्धि तो यहाँ पे जनता बोलेगी सर इस बार की मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज सिंधु जो की अंड्रा मेजा एंड्रा मेजा इसके पहले थी और अब हरनाज सिंधु बनी है मिस वर्ल्ड की बात करेंगे तो कॉर्ली बिल्सका इस बार की मिस वर्ल्ड बनी हुई है मिस इंडिया की बात करेंगे तुम लोगों ने बता दिया है सर मिस वर्ल्ड जो है ये बनी है परल अग्रवाल समझ रो कि नहीं पर अग्रवाल जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका सही है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते आपको बताना है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो हमारा वंदे भारत ट्रेन है पचहत्तर सप्ताह के लिए चलाई गई है जिसमें आज़ादी के विभिन्न हमारे जो बातें हैं वो भी दिखाई जाएंगी इस टीवी में वो कितने कितने हमारे कितने सालों को चिन्हित करने के लिए चलाई जा रही है तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को बड़ा क्वेश्चन ये भी है कंप्यूटर जी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन मुझे लगता है इसका सही जवाब भी होना चाहिए कर दे ठीक भैया जनता बोले सर करो ना, 75 साल हो चुके आजादी के अमृत महोत्सव अमृत काल सौ साल को बोला जाएगा अमृत काल बेटा सौ साल को बोला जाएगा अगला क्वेश्चन बनाते हैं जी ट्वेंटी कृषि मंत्रियों की बैठक जो है ये कहाँ पे ठुकी हुई थी कहाँ पर हुई जी ट्वेंटी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तुम्हारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है तुम्हारे हमारे हमारे फूफा जी के चाचा जी के सबके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी है ना और ये मीटिंग में कहा गए हुए थे सत्रह से अठारह तारीख तक जनता बोलिए सर हमको क्या पता बेटा जानना पड़ेगा ना करंट अफेयर्स का मामला है पूछ लेंगे एसअस्सी वाले कुछ और पूछ लेते हैं भाई साहब आजकल कुछ और पूछ लेंगे सोचते हैं बच्चा जो है वो ब्रह्मा बन गया है सही जवाब होना चाहिए इटली गए थे इटली में बेटा एफ एओ का हेडक्वार्टर है है ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में हुए कहाँ पर है बेटा रोम इटली में

शानदार तो जनता यहाँ पर बोली है सर एशिया का सबसे छोटा जो देश है वो है सिंगापुर आप सिंगापुर के ऊपर टिक करिए बाकी का हम देख लेंगे बाकी का हम देख लेंगे तो अब देखो भैया सिंगापुर इज राइट आंसर पे नाउ से लिंक करेगा अपने हमारे देश के आपको बताना है कि हमारे यहाँ पर अक्टूबर दो में भारतीय नौसेना को परमाणु और पारंपरिक दोनों पंडुबियों को संचालित करने की अनुमति दी गई है इसमें कितनी पंडुब्बिया शामिल की जा रही है यार क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक टाइप का दिख रहा है न्यूक्लियर और कन्वेंशनल जो हमारी पंडुब्बीज हैं जिनको शामिल करने की भारतीय नौसेना को इजाजत दी गई है वो है हमारे 24 पंडुबियां जो है वो शामिल की जाएंगी जो हमें समुद्र में और ज्यादा ताकत देंगी खैर कोई बात नहीं पहले एक्स एक्सरसाइज जो है वो भारत के किस राज्य में या किस शहर में हुई है <coughs> जितने भी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उन सभी ने एक्सरसाइज की हुई है भारत के किस राज्य में या किस शहर में की हुई है जल्दी से बताइए बहुत बढ़िया तो यहाँ पर जनता बोली है सर के जो हमारे जितने भी देश हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की हुई है बहुत बढ़िया जितने भी बच्चे बोल रहे हैं सर हम यहाँ पर पुणे की तरफ जाएंगे पुणे पुणे है ना पेनेक्स की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप पुणे की तरफ टिक कर सकते हैं नंबर आपको मिल जाएगा बिम्स्टेक ये हमारे कई सारे कंट्रीज का जो है ये ग्रुप है मतलब यहां पे टोटल सात कंट्री आपको देखने को मिलेंगे सात कंट्री यहां पर बिमस्टेक में है फुल फॉर्म है बे ऑफ बेंगाल इनोवेटिव ऑफ मल्टी सेक्ट्रल टेक्निकल एंड इनो इकोनॉमिकल कॉपोरेशन सात कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है आपको याद रखना है इंडिया भी इसका मेंबर है इस बार जो मीटिंग है वो श्रीलंका में होनी है कहां पर श्रीलंका में यह मीटिंग इस बार की होनी है गाइज इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर ढाका में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा एक बार सभी लोग ध्यान रखना ये मीटिंग बिम्स्टेक की कहाँ पर हुआ है श्रीलंका में बिम्स्टेक की एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है कंट्रीज की तो ये हुई है पुणे में भैया बात समझ में आ रही है ना अरे बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग सब लोग यहाँ पे शांत बैठे हुए हैं यहाँ पे जनता बोले सर पुणे एकदम सही से समझ में आ रहा है इंटरनेशनल टूरिज्म डे कब मनाओगे भैया वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाए चौबीस पच्चीस छब्बीस २७ कब मना लिया जाए जल्दी से डेढ़ सौ खींचो एक बार डेढ़ सौ खींच दो यहाँ पर जनता बोलेगी सर यूएन हमारा जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है यूएन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलेगा कहां पर मैड्रिड स्पेन में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में देखने को मिलेगा और ये डे डे सेलिब्रेट करते हैं सत्ताईस सितंबर को सत्ताईस सितंबर को ये हम दिन मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर स्पेन के मैड्रिड में बहुत बढ़िया बेटा आगे खींचो खींचो यहाँ पे 15 नवंबर 2021 को भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जो वर्षगांठ है ये कौन सी है मुंडा, नाम आपने सुना होगा स्टेडियम हमारा बोल सकते हैं कि एयरपोर्ट बहुत सारे नाम से झारखंड में चीजें हैं ये हमारी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है जनता यहाँ पर बोल रही है सर अगर आप वर्षगांठ की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो है बिरसा मुंडा की पंद्रह नंबर दो में हमारी एक वर्षगांठ है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेजों से डरे नहीं लड़े थे अगला क्वेश्चन आपको बताना है माला बार एक्सरसाइज के दूसरे चरण में भारतीय नौसेना कौन से देशों के एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज करेगी माला बार एक्सरसाइज में कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं ये आपके सामने नाम लिखे हुए हैं जरा बताइए क्या होना चाहिए जल्दी से खींचे सभी लोग यहाँ पर खींचे आंकड़े को खींचते हैं थोड़ा सा डेढ़ के ऊपर लेके चलते हैं यहाँ पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए हमारे इंडिया के साथ मालाबार में जो पार्टिसिपेट करते हैं याद रखिएगा एक्सरसाइज हमारी पहले अमेरिका के साथ होती थी फिर जापान इसमें जुड़ा और ऑस्ट्रेलिया जुड़ा तो यहां पर यूएसए मेन कंपोनेंट होता है फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया इनके नाम याद करने तभी नंबर मिलेगा चाइना के साथ हम लोग हैंड इन हैंड एक्सरसाइज करते हैं और कभी कभी जो है एक्सरसाइज के अलावा इनसे लड़ भी लेते हैं किताओ देखें किसमें है कितना दम चलिए अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने नीरज चोपड़ा को किसके साथ टाई अप किया हुआ है नीरज चोपड़ा ने किस हमारे साथ टाइप क्या हुआ RBI है S -S -S हमारा है हमारा बैंक ऑफ इंडिया है एच डी एफ सी बैंक है सभी बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं सर नीरज चोपड़ा जिन्होंने इतिहास रच दिया है इंडिविजुअल गोल्ड ला करके जेवलिन थ्रो में और ये हमारे जिसके साथ टाइप किए हैं उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ये हमारे हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन में ये उन्नीस हमारा जो है ये पैंतीस में खोला गया था एक अप्रैल को आर है ना इसका हेड क्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आरबीआई राइट आंसर बैडमिंटन जो है ये 2021 का इंडोनेशिया मास्टर एकल चैंपियनशिप किसने जीता है इंडोनेशिया का हमारा जो मास्टर्स चैंपियनशिप है किसने जीता है आपके सामने नाम लिखे हुए हैं ठोके जल्दी से जल्दी से जनता बताइए क्या होना चाहिए तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए हमारे इंडोनेशिया जो मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसको जीतने का श्रेय जाता है बिल्कुल सानिया ने एकदम सही जवाब दिया है सर सही जवाब जाता है यहाँ पर हमारे कैटो मोमोटा मोमोटा को यहाँ पर जाता है हमारे बैडमिंटन इंडोनेशिया बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीतने का श्रेय अगला प्रश्न हम यहाँ पे बनाते हैं तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं को 30 परसेंट से बढ़ा करके कितना परसेंट आरक्षण देने की बात की है अपनी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में चौंतीस है छत्तीस है अड़तीस की सरकार के द्वारा पूरे हफ्ते में हम लोग एक हजार क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे ठीक है सीएचएसएल के लेकिन अगर आप लोग रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो आगे भी आपके लिए सीएचएसएल और एन के लिए यहाँ पर क्लासेस लेके आए जाएंगे लेकिन रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है डेढ़ का आंकड़ा जल्दी से टच करो जिन लोगों को भी रिवीजन करना है भाई तमिलनाडु सरकार ने 40 प्रतिशत जो है यहाँ पर बढ़ा दिया 10 परसेंट का सीधा इंक्रीमेंट है बाबू 10 परसेंट का सीधा इंक्रीमेंट है सरकारी नौकरियों में अगला क्वेश्चन आपके सामने है आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कौन सा नवंबर दो में इंडस्ट्रीज एंड वन हेल्थ ये थीम के साथ हमारा काम कर रहा है इंडस्ट्रीज एंड वन हेल्थ तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है लो भाई साहब तो यहाँ पर इंडस्ट्री एंड वन हेल्थ जो हमारा लेकर के आया है जनता थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही है जनता बोले सर यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ये यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ ये जो हमारी मिनिस्ट्री है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज ये किसके पास है जल्दी से जवाब देना है आ, बहुत बढ़िया यहाँ पर जितने लोग बोले हैं सर सही जवाब होना चाहिए आ, बहुत सही बहुत बढ़िया तो यहां पर जनता याद रखिएगा एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज का जो डिपार्टमेंट है ये हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास है किसके पास है पुरुषोत्तम रूपाला जी पी का मतलब है पी का मतलब है पी मतलब पुरुषोत्तम रूपाला तुम लोग जो सोच रहे हो वो नहीं है इंडस इनोवेशन डेवलपमेंट अपस्किलिंग आईओटी किट किसने लॉन्च किया है लॉन्च द इंडस इनोवेशन डेवलप आप स्किलिंग विनोद धाम है राजीव चंद्रशेखर है राजीव चंद्रशेखरन है या राजीव सूर्य इतने सारे राजीव क्या कर रहे हैं यहाँ पे अरे इतने सारे राजीव क्या कर रहे हैं सर सी के लिए क्लासेस कब आएंगे बेटा ये सब सी के एस के लिए रेलवे के लिए सिलेबस लगभग एक होता है अगर आप एस के लिए जीए पढ़ रहे तो रेलवे का जीए अपने आप कंप्लीट हो रहा है है ना सारे एस के हमारी क्लासेस चाहे वो जी की हो चाहे की सबका सिलेबस एक जैसा है जनता बोले सर सही उत्तर होना चाहिए राजीव चंद्र शेखर हमारे यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को बोलते हैं चंद्रशेखर क्योंकि उनके शिखर पर है चंद्र चंद्रमा को अपने शिखर पर रखते हैं इसीलिए बोलते हैं उनको चंद्रशेखर तो राजीव चंद्र शेखर इज राइट आंसर किसने अगस्त 2021 किस में मैनी पैकिया को हरा करके डब्लू वेयर वेटर बेल्ट खिताब को बरकरार रखा है वेटर वेटर बेल्ट जो हमारे बॉक्सिंग टूर्नामेंट है किसने हराया था हमारे किसको मैनी पैकयाओ को और अपने यहाँ पर जो बना कर रखा तो यहाँ पर जनता जवाब दे रही है कि सर सही जवाब बनना चाहिए सर लाओ एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली है यार ये सब स्पेशली चीज हैं यहां पर सही जवाब है योर डेनिस उगास योर डेनिस उगास जितने लोग बोल रहे हैं जब आप उनका सही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं झारखंड की स्थापना कौन से हमारे दिन हुई थी 2000 में हिंदुस्तान से चार राज्य अलग करके बनाए गए पहला था उत्तराखंड दूसरा था हमारा छत्तीसगढ़ तीसरा था हमारा झारखंड ये हमारे राज्य जो है बनाए गए तीन ही राज्य हरे अब ये आपको बताना है कि कौन सा साल कौन सा हमारा टाइम था डेट कौन सी थी जनता बोले सर डेट अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पर डेट होना चाहिए झारखंड की स्थापना जो है वही थी हमारे का पंद्रह नवंबर को पंद्रह नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई और सही जवाब तीन नंबर है बीसीसीआई ने सचिव जय शाह ने घोषणा की कि इंडियन प्रीमियर लीग भारत में खेला जाएगा और इस बार दो नई मेगा टीम आई और आकर के इन्होंने इस बार तहलका मचा दिया वो कौन सी हमारी दो टीमें हैं दो टीमें कौन सी हैं तो आप यहां पर दो ही टीमें है यहां पे दो के ऊपर हम टिक कर देते हैं तो दो टीमें है लखनऊ सुपर जॉइंट और गुजरात टाइटंस भैया ये नंबर पर बनी हुई है अब नंबर पर आ कल से अधिक वीजा जारी किए हैं भारतीय छात्रों को सबसे अधिक संख्या में पचपन हजार वीजा जारी करने वाला देश कौन है यूएस है यूके है रसिया है इंग्लैंड है जाओ पढ़ाई करने सभी लोग वहां पर जाइए पढ़ाई करने लेकिन होना चाहिए पैसा नहीं तो स्कॉलरशिप टेस्ट को पास करिए क्या होना चाहिए चलिए तो यहाँ पर जनता बोल रही है सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर अगर भारतीय छात्रों के लिए जो पचपन हजार से अधिक वीजा जिन्होंने जारी किया है उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने पिछले साल वीजा को रद्द रद कर दिया था अपने बीवन वीजा को वो इस बार पचपन हजार से अधिक वीजा लॉन्च कर दिया अगला क्वेश्चन है भास्कर बाड़ा चंद्र कैलेंडर किस राज्य के आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा भास्कर बाड़ा सोलर कैलेंडर को किस राज्य ने अपना आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया है असम है सिक्किम है नागालैंड है त्रिपुरा है जल्दी से जवाब देना है कुछ बच्चे यहाँ पर पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको हम यहाँ बोलना चाहेंगे पूरा वीडियो देखिए जल्दी से फटाफट बहुत बढ़िया तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए असम भास्कर बाड़ा कैलेंडर को ऐड कर रहा है हमारे देश का जो आधिकारिक कैलेंडर है वो है सेवेंटी एट एडी में चालू किया गया कनिष्क के द्वारा कनिष्क ने इस कैलेंडर को जारी किया था और इसको हम लोग बोलते हैं एरा सक एरा को शुरू किया था 78 एट एडी में कनिष्क ने और आपको यह याद रखना है यह हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इन सितंबर दो हजार इक्कीस दिशन इज इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मैनी यूनियन टेरेटरीज इन पायलट फेज कितने यूनियन टेरेटरी में ये हमारा चलाया जा रहा है आयुष्मान डिजिटल मिशन दो तीन छ पांच क्या होना चाहिए सर ये तो पता नहीं है ठीक है तो सितंबर दो में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को चालू किया गया और इसको आयुष ऐप से जोड़ दिया गया जो आपकी आरोग्य सेतु ऐप है उससे जोड़ दिया गया और यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो छह यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप को छोड़ दिया जाए तो यहां पर हमारे सभी यूनियन टेरिटरी में इसको चालू किया गया है तो छह यहां पे चार इज राइट आंसर एमडी ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन एन एफ सी एंड सीओ ऑफ चिल्ड्रन सोसाइटी ऑफ इंडिया कौन बनाए गए तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और हमारे CFSI के जो चेयरमैन है वो कौन है अभिनव कुमार है रविंदर भाकर है ओम कुमार गुप्ता है या कृष्णा कुमार है जल्दी बताइए क्या होना चाहिए बहुत बढ़िया यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए क्या रविंदर भाकर सही जवाब है तो नेशनल हमारे जो फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन है और हमारे चिल्ड्रन सोसाइटी ऑफ इंडिया है इसके चेयरमैन बनाए गए नवंबर दो में चार धाम देवस्थान जो प्राधिकरण है इसको निरस्त करने का घोषणा किसने किया चार धाम मैनेजमेंट एक्ट जो है वो कौन लेकर के आया रिपील किया है मतलब चेंज किया है उसमें उत्तराखंड है बिहार है गुजरात है या यूपी है किस राज्य ने चार धाम जो हमारे देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम है उसको निरस्त किया है जनता बोले की सर चार धाम जो है वो उत्तराखंड में है सभी को पता है बद्रीनाथ है केदारनाथ है गंगोत्री यमुनोत्री चार धाम है और यहाँ पर कुछ परिवर्तन किए हैं मुख्यमंत्री साहब का नाम है पुष्कर सिंह धामी जो जुलाई में परिवर्तित हुए थे अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ आपको है आपको कि, कि किस मंत्रालय ने SC और ST के अत्याचारों के विरुद्ध एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है जैसा कि आप लोगों ने हमारी ऑस्कर में गई नॉमिनेटेड फिल्म भीम देखा होगा भीम जो है हमारे हिंदुस्तान की तरफ से ऑस्कर में गई हुई फिल्म है भीम और मराकर हालांकि इनको ऑस्कर नहीं मिल पाया लेकिन यहाँ पर एस और एस के किए गए अत्याचार अच्छे से दिखाए गए हैं और इसके लिए हमारे यहाँ पर जो हेल्प नंबर है उसको किस हमारे मिनिस्ट्री ने जारी किया है अभी आपको बताना है उस मिनिस्ट्री के हमारे मिनिस्टर का नाम क्या जल्दी से सभी बच्चे <laughs> बहुत बढ़िया तो यहाँ पे जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए <laughs> सर थावर सिंह गहलोत जो है इसके पहले थे लेकिन अभी जो सोशल मिनिस्टर बने हैं वो है वीरेंद्र कुमार तो वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस जस्टिसमेंट मिनिस्टर है जो कि पहले थावर सिंह गहलोत जी के पास थी उन्होंने इसको शुरुआत की है आई गुवाहाटी ने सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी सी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किसने किया है बहुत ध्यान से देखिएगा और फिर सोच के जवाब दीजिएगा आई में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज का उद्घाटन किसने किया रमेश पोखरियाल निशंक ने धर्मेंद्र प्रधान ने प्रकाश जावड़ेकर ने या हरदीप सिंह पुरी जी ने सोच के जवाब दो अगर आप तुक्का भी लगाते हैं अगर इन मिनिस्टर में से किसी एक को पिक करना होगा तो किसका नाम पिक करेंगे बहुत बढ़िया बेटा शानदार तरीके से यहाँ पे आप लोग बैटिंग कर रहे हैं जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान क्यों करेंगे आई आई टी में उद्घाटन यार क्योंकि ये हमारे देश के एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भाई साहब कौन है धर्मेंद्र प्रधान है राज्यसभा के मेंबर है बाबू ये कहा के मेंबर है राज्यसभा के मेंबर है समझ रहे हो कि नहीं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको आप लेकर के चलते हैं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक किसने बुलाई है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कॉल्ड बाय प्रेम कुमार अग्रवाल है अनुराग सिंह ठाकुर है निर्मला सीतारमण है या ज्योतिरादित्य सिंधिया है क्या होना चाहिए दोस्तों किसको बुलाना चाहिए जनता बोलिए सर बुलाना चाहिए तो प्रेम कुमार धूमल को अरे प्रेम कुमार धूमल को क्यों बुलाना चाहिए चलिए तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं निर्मला सीतारमण जितने बोल रहे फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे देश की हमारे देश की पहली फुल टाइम महिला फीमेल हमारे जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर है पहली फुल टाइम मतलब इसके पहले हमारे जो है हाफ टाइम मतलब अंतरिम बनी थी इंदिरा गांधी जी लेकिन ये फुल टाइम पहली महिला है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इकतालीसवीं एशियन फिल्म पुरस्कार में डिसिप्लिन को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है

यहाँ पे अंतर बोलिए सर चैतन्य का नाम आगे करना चाहते हैं यहाँ पे कम से कम सात सौ पैंतीस लोग उन लो सभी लोगों का आदर करता हूँ सही जवाब है चार नंबर आपको बताना है कि गार्डन रीच सिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जी आर ई सी लॉन्च किए गए भारत के सबसे पहले हमारे बोल सकते हैं कि रिसर्च पोर्ट का नाम क्या है सर्वे पोर्ट का नाम क्या है समुद्रयान है संध्याक है समुद्र खोज है या जल प्रहरी है तो ये हमारे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने एक हमारा पहला सर्वे वेसल्स को लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है जनता बोली है सर संध्या के ऊपर टिक करना है तो संध्या बोल रहे हैं जवाब उनका सही है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं किस राज्य ने प्रशासन शहरों के संग प्रशासन गांव के संग जुड़वा अभियान शुरू किया है मतलब दो हमारा अभियान एक साथ शुरू किए हैं प्रशासन के संग और प्रशासन गांव के संग ये दो अभियान शुरू किए किस राज्य ने उड़ीसा पश्चिम बंगाल राजस्थान या महाराष्ट्र बहुत बढ़िया प्रश्नों की सीरीज चल रही है अगर आप यहाँ पर अक्टूबर आ, अपने 2021 से लेकर के 2022 तक के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो एक बार ये प्रश्नों को लगाइए हजार प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं राजस्थान जितने लोग बोले बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान बिल्कुल ये वही राज्य है जहाँ पर सबसे पहले पंचायत राज की शुरुआत की थी दो अक्टूबर नाइनटीन में सबसे पहले पंचायत राज यहाँ पे आया था नागौर डिस्ट्रिक्ट नाम तो सुनाई होगा सबसे पहले पंचायत राज को यहीं पे लाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर आकर के इसका उद्घाटन किया था ठीक है तो यह भी हमको याद रखना है तो यहाँ पर हमारे प्रशासन के गाँव के संघ और प्रशासन के शहरों के संग ये शुरू की गई है पोलैंड के ब्रोकला में प्रेसिडेंट कप जो कि हमारा शूटिंग एयर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप था इसमें रजत पदक किसने जीता है क्या ये वाकई में फिर से सौरभ चौधरी है या अभिषेक वर्मा है दीपक कुमार है या अभिनव बिंद्रा है बहुत बढ़िया सभी बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि सर इसका सही उत्तर होना चाहिए जितने लोग बोल रहे हैं सर इसका सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन सौरभ चौधरी उन बच्चों को नंबर मिल रहा है सौरभ चौधरी ने काहिरा में भी मेडल जीता है हमारे वार्कलो में भी मेडल जीता है तो एक बहुत अच्छे परफॉर्मर है उम्मीद करते हैं कि अगले ओलंपिक में भी हमारे नीरज चोपड़ा जी की तरीके एक मेडल शूटिंग में भी लेकर के आए अगला क्वेश्चन आपको बताना है उमंग गोट नदी भारत के सबसे स्वच्छ नदियों में आती है इतनी स्वच्छ नदी कि यहां पर अगर कोई नाव तैरती है तो उसका जल प्रतिबिंब वाटर इमेज जो आपको दिखाई देता है जल के अंदर तो वो नदी कहां पर है उमगोट रिवर इज सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया त्रिपुरा पश्चिम बंगाल सिक्किम या मेघ का घर मेघालय है तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए जितने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं सर मेघालय नॉर्थ ईस्ट का ये हमारा नदी है उमंग जिसको सबसे स्वच्छ नदी का खिताब दिया है जल शक्ति मंत्रालय बेटा ये मिनिस्ट्री किसके पास है हमारे जो है वो शेखावत जी के पास जो है ये मिनिस्ट्री है है ना तो याद रखिएगा ये हमारे सबसे स्वच्छ नदी है ये मेघालय की जितने लोग बोले बिल्कुल सही जवाब दे रहे चलिए आगे भी तो तक चलते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत तो जो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये मिनिस्टर है

दीपर झील की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जनता बोली है सर गुवाहाटी कई लोग सर है, सर भुवनेश्वर भी होना चाहिए ज्यादातर जनता गुवाहाटी की तरफ जा रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुवाहाटी के पास असम में है है बिल्कुल सही ये हमारे कहां पर इसके किनारे जो नदी बहती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर जो आपको यहाँ पर बहती हुई दिखाई देगी ठीक है तो यहाँ पर यह बहती हुई आपको दिखाई देगी सही जवाब है हु द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन गोरखपुर गोरखपुर में हमारा एम्स खोला जा रहा है अब आपको बताना इसकी शुरुआत किसने की है नरेंद्र मोदी जी ने की है अमित शाह ने मनसुख मडाविया ने या योगी आदित्यनाथ जी ने किसने शुरुआत की है तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर अगर आप यहाँ पर बात करेंगे हमारे एम्स गोरखपुर की इसकी शुरुआत की है हमारे देश के कई लोग बोले सर स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए मनसुख मडाविया लेकिन बात गलत है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए थे और दिसंबर में फीता काटे थे क्यों काटे थे क्योंकि यूपी में इलेक्शन होने वाले थे इसलिए गोरखपुर में गए थे जितने एक नंबर बोल रहे जवाब उनका सही है टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की हाई जंप टी फोर्टी सेवन स्पर्धा में किसने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और हमको सिल्वर मेडल जिलाया नाम संदीप चौधरी है सुंदर सिंह गुज्जर है निशांत कुमार है या अमित कुमार सरोहा है याद रखिएगा ओलंपियन जितने भी मेडलिस्ट हैं वो किस फील्ड से जुड़े हुए हैं ये जरूर करके जाइएगा एग्जाम में प्रश्न पूछेगा यहाँ पर जनता बोली है सर अर्जुन पुरस्कार सर हमारे जो है ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड वो किससे संबंधित है जरूर करके जाएंगे यहाँ पर निषाद कुमार जितने लोग बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है एन इज राइट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स की जो ग्रांड पिक्स चैंपियनशिप है क्या इसको वाकई में फिर से हेमिल्टन ने जीता है सर्जियो पारेज, रिकार्डो या मैक्स बेटर पेन, किसने जीता है दोस्तों यहां पे? तो बोले सर, अगर आप इस का और उसमें जो हमारे मैक्स बेटर पेन ने ये जीता हुआ है मतलब लुविस हेमिल्टन यहाँ पे नहीं जीते हैं गलत हो जाएगा यहाँ पे जवाब यार ये क्वेश्चन हमको दिख ही नहीं रहा है अगला क्वेश्चन है राज्य के विकास और उसके योगदान के लिए नदियों को सम्मानित करने के लिए किस राज्य ने नदी उत्सव की घोषणा की है मनाना नदी उत्सव कौन सा राज्य बना रहा है आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश है यूपी है गुजरात है कर्नाटक है कौन सा राज्य नदी उत्सव बना रहा है बहुत बढ़िया बैठा बहुत ही बढ़िया तरीके से जनता खेल रही है जनता यहाँ पर बोल रही है सही उत्तर होना चाहिए हमारे जिस राज्य में बहुत सारी नदियां हैं वो है हमारा गुजरात गुजरात में नदी उत्सव यहाँ पे मनाया जाएगा यहाँ की सबसे प्रमुख नदी अगर आप देखेंगे तो नर्मदा उसके बाद से ताप्ती नदी है यहाँ पर उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे साबरमती नदी है और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी और भी नदियां है जैसे कि माही नदी और हमारी लूनी नदी ये यह यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जिनको सम्मानित किया गया हमारे नदी उत्सव में अगला क्वेश्चन है बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र कहाँ पे है ज इन बद्दी सुंदरनगर मंडी या कुल्लू सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे जनता जवाब दे रही है कि सर आप अगर बात करेंगे वेबर सर्विस एंड डिजाइन रिसोर्सेज सेंटर बनारस के वेबर्स बहुत फेमस है बुनकर लेकिन ये जो हमारा संस्थान है ये आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देखने मिलेगा कुल्लू का नाम सुना ही होगा कुल्लू एंड मनाली फेमस फॉर द टूरिज्म सभी को पता होगा यहाँ पर हमारे हिमाचल का प्रदेश का ये हिस्सा है अभी आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा हमारा मंत्रालय है जिसने टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए बैंक को अवार्ड दिया है इसमें से हमारा जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में नंबर एक पर किस बैंक को दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया है बड़ौदा है सेंट्रल बैंक है या इंडियन ओवरसीज बैंक है <laughs> बहुत बढ़िया तो जनता यहाँ पर बोल रही है सर हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का जिसने डेवलप किया है अपने बैंक में 86% वो है बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में है याद रखिएगा 1908 में इसकी स्थापना की गई थी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं गाइस इसमें हमारे दो बैंक और मिलाए गए हैं शायद देना बैंक और विजया बैंक देना और विजया बैंक का विलय हुआ है हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से दो बैंक मिले हैं देना और विजया को मिलाया गया समझ रहा हूँ कि नहीं चलिए आगे चलते अगला प्रश्न करते हैं सातवें नैन तारा सहगल है, है, है प्रीति सिन्हा है या इरा त्रिवेदी है किसको यह अवार्ड मिला हुआ है याजिन हजारिका अवार्ड बहुत बड़े बच्चों बहुत ही शानदार <coughs> जनता यहां पर बोली है सर इस प्रश्न का जो जवाब होना चाहिए यामिन हजारिका वुमेन्स ऑफ द सब्जेक्ट्स अवार्ड जो है ये दिया गया है नमिता गोखले जी को तो नमिता गोखले जितने बच्चे बोल रहे हैं उन बच्चों का जवाब यहाँ पर सही होता हुआ दिख रहा है नमिता गोखले इज राइट आंसर अगला क्वेश्चन क्या है <laughs> सीजियल बेटा यही सारे क्वेश्चन आए थे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने इनमें से किसके साथ हमारे जो है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए टाई अप किया है नॉन लाइफ इंश्योरेंस बाकी के इंश्योरेंस बेचिए मोटर इंश्योरेंस बेचिए हमारा बाकी के जितने भी इंश्योरेंस बेचिए लेकिन लाइफ इंश्योरेंस मत बेचिए SBI लाइफ है बजाज एलियंस है यूनाइटेड Insurance है या लाइफ इंश्योरेंस Corporation ऑफ इंडिया है दोस्तों ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए तो Bajaj Alians, जितने बोले है उनका जवाब बिल्कुल सही है आपको बताना है राशिद ईरानी ने तीस जुलाई को जिनका निधन हुआ ये किसके सह मालिक थे मतलब किसके ओनर थे राशिद ईरानी क्या ये कैफे विंग के थे बुरान इरानी कैफे के थे राशिद बेस्ट्रो एंड कैफे के साकेत के थे या ईरानी काफी हाउस किसके ये सहमालिक थे यार ये तो बहुत क्वेश्चन है बहुत बढ़िया जनता बोली है सर, सही होना चाहिए। हमारे, बिल्कुल, आपको बताना है कि इनमें से किसने अपना ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है वन नेशन वन कार्ड एक नेशन एक कार्ड जो है वो किसने लॉन्च किया है जियो पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक है क्या होना चाहिए दोस्तों लॉन्च तो <laughs> किया है जिसको वन नेशन वन कार्ड के नाम से आप जानते हैं वो है पेटीएम पेमेंट बैंक सभी को पता होना चाहिए बेटा पूरे एक साल का पढ़िए दो हजार इक्कीस और दो हजार बाईस दोनों के करंट अफेयर्स पढ़ के एमटीएस के आने वाले एग्जाम्स के लिए चलिए आ, किस वास्तुकार को रिचर्ड ब्रिटिश वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स जिनको निधन हुआ है इनको प्रिजर्व प्राइज जो कि सबसे बड़ा आर्किटेक्ट का प्राइज होता है ये कब दिया गया था 2001 में 2003 में 2005 में या 2007 में सर ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारा जो रिचर्ड रोवर्स है इनका निधन हुआ है ये एक आर्किटेक्ट थे इनको प्रिस्टीज जो हमारा प्राइज है कौन सा प्रिजर्व प्राइज ये किसको दिया गया है बहुत बढ़िया जनता ने यहाँ पर जवाब दिया है कि हमारा एनी लेटन को इस बार का 2021 का प्रिजर्व प्राइस दिया गया था लेकिन हमारे जो रॉजर्स रिचर्ड तो एनी लेटन को 2022 का प्रिजर्व प्रिजर प्राइस दिया गया था एक क्वेश्चन बताइए वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे आप कब मनाएंगे विश्व शहरीकरण दिवस आप कब मनाते हुए देखा जाएगा सात नवंबर आठ नवंबर नौ नवंबर या दस नवंबर बहुत बढ़िया बैठा बहुत ही शानदार यहाँ पे तो जनता यहाँ पर बोलेगी वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे की अगर हम बात करें तो ये हमारा सेलिब्रेट होता है जितने लोग बोल रहे हैं सर 8 नवंबर को उनको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा हमारे देश का जो अर्बन मिनिस्ट्री है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये किसके पास है हरदीप सिंह पुरी जी के पास है किसके पास है हरदीप सिंह पुरी जी के पास ये मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं आठ नवंबर होता है मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी जी के पास है बिल्कुल सही जवाब है अक्टूबर 2021 में सेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन कहां पर सिरे हुआ है सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगेन इन नई दिल्ली चेन्नई पटना में कलकत्ता में क्या होना चाहिए कहां पर हुआ है बहुत बढ़िया यहां पे चार पांच बच्चों को छोड़ दिया जाए तो सभी बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं और वो जवाब भी दे रहे हैं यहाँ पे भले गलत जवाब दे रहे हैं लेकिन सही जवाब आपको याद होता चला जा रहा है यहाँ जनता बोले ऐसा सही जवाब होना चाहिए नई दिल्ली नई दिल्ली में ये हमारा सेना के कमांडर जुटेंगे ऑब्वियस सी बात है आपको बताना है कि इनमें से गवार गम एंड क्लाइस्टोन का उपयोग करके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाने का श्रेय किस इंस्टीट्यूट को जाएगा यहाँ पे आई आई एस है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है आई दिल्ली है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड साइंस है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च है क्या होना चाहिए दोस्तों सही उत्तर बहुत बढ़िया <laughs> तो जितने बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं सही उत्तर होना चाहिए हमारा एडवांस स्टडी एंड साइंस टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल सही जवाब है अगला क्वेश्चन आपको बताना है द आंट जिसको हमने आ, प्राइस के रूप में, जाना में उनका निधन हो गया है आपको बताना है नब्बे में अट्ठानबे में, में, में बहुत बढ़िया तो एडवर्ड ओ विल्सन जिनको हम लोग मॉडर्न डे के डार्विन के रूप में जानते हैं इन्होंने किताब लिखी थी द आंट और इनको पुलिसर प्राइज मिला था 1990 में जिनका निधन हो गया डार्विन की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर काम किया हुआ है किस तरीके से जानवरों में उनकी नीड के अकॉर्डिंग विकास होता है ये डार्विन डार्विन ने बताया था लेकिन मॉडर्न डेज कौन थे एडवर्ड ओ इनका भी निधन हो गया बहुत बड़े बच्चों नवंबर किस में किस क्रिकेट टीम ने ट्वेंटी 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 क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है नवंबर इक्कीस में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या पाकिस्तान है बहुत बढ़िया

भारत जो है सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है लेकिन बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नियम बनाया है, वो किसने बनाया है? पूरी दुनिया को बना रहा है हिंदुस्तान को परेशान करने के नए नए तरीके खोज निकालता है ये वो पड़ोसी है जो ना खुद चैन से जीता है ना दूसरों को चैन से जीने देता है हमारे वहां के हमारे इंडियन छात्रों का जो है वो वीजा स्थगित कर रहा है तो कभी जो है वो जबरदस्ती डोकलाम के एरिया में घुस रहा है कभी गबलान की घाटी में घुस रहा है अरे भाई साहब करना क्या चाहते हो आखिर यहां पर चाइना इज राइट आंसर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन आपको बताना है दुआरे सरकार का दूसरा चरण जो है ये हमारे किस राज्य में शुरू किया गया दुआरे सरकार क्या लग रहा है आपको आंध्र प्रदेश है पश्चिम बंगाल है मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है बहुत बढ़िया यहाँ पर जनता बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल, right बिल्कुल तो आपसे अलविदा लेने का। लेकिन आज काफी बच्चे हमें कम है। तो ये, का जो है, ये अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है हम लोगों ने कई सारे प्रश्नों को बनाया लेकिन पूरे सीरीज को देखिए एक हजार प्रश्नों को अपने कंप्लीट करिए तभी फायदा होगा जैसे वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना बहुत जरूरी होता है सिर्फ एक डोज लगवाने से आपका जो है वो नहीं आता है आपके अंदर जो है इम्यून पावर नहीं आता है तो उसी तरीके तो जिंदगी में पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है लगातार और कंटिन्यूएशन में सही दिशा में पढ़ना यह बहुत जरूरी होता है तो इसीलिए मैं बोलता हूं लाइव आइए हमारे साथ जुड़िए इंटरेक्ट करिए क्लास में यहां पर आइए और अपनी कंटिन्यूटी को एक नए आयाम पर लेकर के जाइए ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी लेकिन आज बच्चे जो है वो जो छुट्टी मार लिए हैं उनसे मैं थोड़ा सा दुखी रहता हूँ और दुखी मत किया करिए भैया लाइव आया करिए चलिए ये रहा हमारे टेलीग्राम का लिंक जो बच्चे यहाँ पर नए वो जुड़ जाएंगे तो मिलते हैं कल सुबे छः बजे और साढ़े बजे तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय एंड टेक केयर अपना ध्यान रखिएगा